चढ़ रहा है, तू काहे के लिए चढ़ रहा है यहाँ पे? देखो तो गाइस देख सकते हो लड़ रहे हैं दोनों। सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, सबके सब बच्चे हैं। अरे रे, मेरा प्यार करता है लेकिन 5 रुपए का खर्चा नहीं कर देना यार। यार तेरे लिए इसके लिए मत ले, अपने लिए ले ले भाई। सुन ना खुशी, तू ना के पसंद करती कि नहीं? क्या यार, वाह, ओह माय गॉड। तो बताओ दोस्तों कैसे दिख रहा हूँ मैं? Hey guys, welcome to our my new vlog video. I hope आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी मस्त है guys। तो सभी को जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो अब क्या ही बोल सकते हैं यार, अभी हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं और आज का सीन क्या होगा, क्योंकि यार आज कोई भावा की परी नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम लोग आज आसना के जंगल को एक्सप्लोर करने वाले कि इस जंगल में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको यहाँ पे खतरनाक सुअर देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक सुअर वो पास खड़ा है देख सकते हो। बाकी यहाँ पे खतरनाक जानवर भी देखने को मिलेंगे जो कि इस जंगल में गाइस। तो गाइस आज हम इसी जंगल के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि यार हम लोग इधर से डेली जाते हैं जगदलपुर, लेकिन इस जंगल के अंदर कभी नहीं घुसे। तो आज हम इस जंगल के अंदर जाएंगे और इस जंगल के अंदर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? कुत्ते ढूंढेंगे और इसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ देंगे, क्योंकि यार इसकी गर्लफ्रेंड है जिस जंगल में रहती है गाइस। वो क्या मतलब समझ रहे हो, आदि मानव नहीं है, वही लोग भी प्यार करता है। अच्छा, और इसका शक्ल भी देख सकते हो, आदि मानव से मिलता है। तो चलो गाइस इसके अंदर जाते हैं जंगल के अंदर और क्या सीन रहता है। तो चलो बने रहे थोड़े देर के लिए, बस 5-6 मिनट घूम के आएंगे, उसके बाद हम लोग जगदलपुर ही जाना है। फिर जगदलपुर जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे वो तो हमको भी मालूम नहीं। फाइनली हम लोग जंगल के अंदर एंट्री कर रहे हैं और गर्लफ्रेंड बोला तो देख सकते हो यार सबसे आगे भाग रहा है, देखो कितना अंदर चला गया है। कौन है ये लोग देख सकते हो, ऐसे इतना गंदगी किया यार, ऐसे इस जगह में इतना अच्छा क्लीन जगह में आप लोग ऐसे हरकत करते हैं यार। देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में गाइस, जिस किसी ने भी किया है अब क्या ही बोल सकते हैं यार, तो दिमाग होगा तभी तो। और साफ सफाई रहने से कितना अच्छा लगता है, क्लीन शांत, और देख सकते कितना बढ़िया माहौल है इधर का, बाकी कितना शांत है जंगल के अंदर यार, बढ़िया। हमें अभी पता चला है कि अपनी गर्लफ्रेंड भाग चुकी है आसना के जंगल से, तो उससे मेरा क्या फायदा? तो हम लोग अभी मेन रोड पे जाएंगे। क्या बोला तूने? और बहुत खतरनाक लोग रहते हैं यार यहाँ पे, थोड़ा ऐसा आवाज आ रहा है कि अरे बाबा। तो और यहाँ तो बढ़िया शांत सा लग रहा है कि यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ ऐसा लग रहा है, बढ़िया है यार। बंदर लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, देखो कहाँ चढ़ रहा है तू, काहे के लिए चढ़ रहा है यहाँ पे? देखो सो गाइस यार अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से जाने के बाद जगदलपुर में क्या सीन रहेगा। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, यहाँ बहुत ही बकवासी कर ली इस बकवास के साथ, देख सकते हो अभी तक इसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, खोज ही रहा है। तो चलो मिलते हैं जगदलपुर। सर हम लोग अभी पहुंचे थे जगदलपुर और अपने बाइक का क्या हो चुका है देख सकते हो गाइस, पीछे का पिछवाड़ा निकल चुका है, बाकी यहाँ पे कितना क्यूट दिख रहा है अपना बाइक, और यहाँ पे अपना नाम छप चुका है इसका। बाकी नागेश अपना राय दीजिए कैसा लग रहा है बाइक, बता। क्यूट दिख रहा है गाइस, क्या ही बोले अब, पीछे का सीन दिख रहा है। सो गाइस देख लो तो कितना सेक्सी लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, मतलब ना थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, मतलब क्यूट सा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है बाइक, स्पोर्ट लुक दे। और बाकी सामने इसका हैंड गार्ड वगैरह लगा लेंगे और साइड मिरर लगा देंगे ना, तो बहुत अच्छा रहा। और इसका सामान ये रहा, इसका पिछवाड़ा हमारे हाथ में, इसका भी जरूरत है क्योंकि यार बरसात का समय इसको लगाना पड़ेगा ना भाई। तो चलो अब फिलहाल के लिए हम लोग जाते हैं खुशी जी के पास, उनको रिसीव कर दे, उसके बाद कहाँ जाने को बनता है। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, चलते हैं मिलते हैं। बहुत दिन बाद से नहीं मिलते, मतलब 4-5 दिन से नहीं मिली थी, और अभी ब्लॉग बना के आ रहे हैं गाइस, देख सकते हो खेवड़ी। सबसे पहले उसको फिर से रिटर्न भेजते हैं घर में। तो गाइस देख सकते हो लड़ रहे हैं दोनों, बाकी नागेश भी सोच रहा होगा काश मेरे पास भी गर्लफ्रेंड होती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या आप इसको रख सकते हो आपके घर में? हाँ आपने इसको रख दे रहे हो, बाद में आप हमको दे देना ठीक है, ज्यादा टाइम 5,000 का सामान है ठीक है ना। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे कालीपुर स्कूल में खेबड़ी खाना में, इसकी बहन से मिलने के लिए जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती है। गाइस गाइस यार अभी निकलने वाले यहाँ से इसके बहन लोग,
बाकी कुछ नहीं, सब टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं दोस्तों। इग्नोर इतना बड़ा खुशी, कौन है अपनी तेरी बहन बता जल्दी। सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, सब के सब बच्चे हैं। अब क्या ही बोले, वो दोनों तो इतना भाग गए, मतलब बहुत स्पीड से निकल गए गाइस केटीएम लेके। बाकी हम अपना क्यूट सा स्प्लेंडर लेके हम लोग इधर धीरे धीरे से चल रहे हैं। तो गाइस अब क्या ही बोल सकता हूँ, और यहाँ मतलब इधर ना आज पहली बार आ रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अलग सी जगह में आने से थोड़ा समझ ना अलग अलग सा लगता है। बाकी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, जेब में पैसे नहीं है, गरीब आदमी, ऊपर से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस यार सब्सक्राइब वब्सक्राइब करो यार, अब कितना बोल सकते हो गरीब आदमी का सुनो। हम लोग आ गए बाइक चलाते चलाते एक ग्राउंड में, जो कि बहुत ही प्यारा सा ग्राउंड है क्रिकेट का। और देख सकते हो गाइस इतना प्यारा सा ग्राउंड, अपने गांव में रहता तो आज मैं कितना बड़ा क्रिकेटर होता गाइस, आज मैं विराट कोहली के साथ खेलते रहता भाई। तुम लोग क्या समझते हो, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, ऐसा आपको लग रहा होगा, बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं बहुत बड़ा नल्ला हूँ और क्रिकेट विकेट खेलना नहीं आता है, हाँ लेकिन देसी स्टाइल में खेल लेते हैं भाई, मार वार देते हैं चक्के वक्के, समझ रहे हो ना। बाकी यहाँ पे कुछ क्यूट क्यूट से बच्चों का ट्रेनिंग हो रहा है, जो कि एकेडमी है क्रिकेट का। बाकी देख सकते सब अपने अपने काम में लगे हैं, हम भी अपने काम में लगे हैं गाइस, ब्लॉग ब्लॉग बना रहे हैं। तो चलो आप लोग लाइक वाइक कर देना, अब यहाँ से चलते हो। दोनों कहाँ गए, उनको कॉल लगा भाई कहाँ गए, हम पेट्रोल वेट्रोल नहीं जलाएंगे, इधर कुछ है ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे डोरेमोन का एक्टिंग किया जा रहा है, बाकी छोटे से रास्ते में लोग क्या क्या मटर गश्ती कर रहे हैं। दिल है छोटा सा। तो गाइस यार हम लोग ना इधर आए थे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने और नागेश की गर्लफ्रेंड से मिलने, पर क्या करे बेचारी लोग का छुट्टी नहीं हुआ है, हॉस्टल नहीं यार, कॉलेज में छुट्टी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इधर घूमने आ गए थे यार। अब क्या ही बोल सकते हैं, अपना हो गया है पोपट जोरदार वाला। तो अब यहाँ से चलते हैं यार, अभी अपना ना पेट्रोल खत्म हो गया है, अपना गाड़ी का नहीं सिजुका का पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए यहाँ दुकान में जंगल के अंदर हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। बाकी चपड़गंज लोग क्या क्या बोल रहे बताओ, कर देना यार यार तेरे लिए, इसके लिए मत ले अपने लिए ले ले भाई। हद हो गई गाइस, देख सकते हो हम क्या क्यूट नहीं है भाई, क्यूट है कि नहीं बता। इधर एक रास्ता दीदी से अभी लोग हम पूछे अभी, और अब इधर से हम लोग जाएंगे नदी की साइड। पता नहीं उस नदी में क्या है, इन लोग नदी ढूंढते थे गांव में आ गए। गाइस साफ साफ बताऊं तो यार अपने को ना लोकेशन नहीं मिला, और देखो कितना प्यार से खा रहा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो गाइस वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, नदी साइड पूछ नहीं होगा मेरे को मालूम है। यहाँ पे आके बढ़िया सा लग रहा है यार, मतलब लोकेशन और पानी इतना सुंदर है मत पूछो यार, पूरा ग्रीन ग्रीन पानी, पूरा भरपूर पानी है बढ़िया सा, देख सकते हो खचाखच भरा पड़ा है नदी। और यहाँ पे अंकल लोग मछली पकड़ रहे, बाकी ये अधे वाली अधी है। बाकी मौसम देख सकते हो, आसमान भाई बादल कितने बढ़िया दिख रहे हैं। गर्लफ्रेंड तीन है जंगल में, तो गाइस वही गर्लफ्रेंड यही लड़की है जो कि फाइनली मिल चुकी है नागेश को। तो सुन ना खुशी, तू नागेश को पसंद करती है कि नहीं? इसको मालूम है पसंद है मुंह पे बेइज्जती वे, अब क्या बोलेगा भाई, मुझ है नहीं, बड़ा बड़ा ठाव रहा था गाइस आते टाइम, अब क्या हुआ भाई तेरे, ये तो तेरे पसंद ही नहीं करती हूँ बोल रही, अब क्या करेगा बता। हाँ ये तो फेल कम जाए तो भीड़ कम, सीधी करता अब बात गाइस, क्या ट्राई कर रही है। बैठो तो दोस्तों कुछ, ये क्या है यार, वाह ओ माय गॉड। तो बताओ दोस्तों कैसे दिख रहा हूँ मैं, बढ़िया क्यूट गर्ल, क्यूट बॉय नहीं नहीं क्यूट गर्ल ना, इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, ये बस बूट की, ये ऐसा लग रहा है ऐसे बांध के रखे स्कार्फ जैसे, देखो खुदा ऐसे चेहरे बना। यहाँ से चलते हैं गाइस, जितना भी सिनेमैटिक शॉट वगैरह ले लिया हमने, बहुत ही क्यूट क्यूट, और यहाँ के बढ़िया सुकून सा शांति सा है, बहुत ही प्यारा सा जगह है गाइस।
तीतर गांव में पड़ता है, बहुत ही प्यारा सा है, देख सकते हो अभी भी कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, और उधर सनसेट हो रहा है, बाकी लोग अपने मस्ती वस्ती में। तो चलो अपना बाइक भी निकल चुका है, बाकी अपने गाड़ी में पेट्रोल कितना है पता नहीं। तो चलो